सावल सावल यार वे। खुदाफिस। रुक जाओ, एक बात मेरी भी सुनते जाओ। जोरा, तुम इस मामले में खामोशी रहो तो बेहतर है। अन्ना जी, मुझे आज बात कर लेने दीजिए। अगर अभी बात नहीं की, दोबारा लौट कर आ जाएगा। ठीक, इजाजत, लेकिन याद रखना बात आज ही खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि बात से बात चल निकले। चलो लड़की। क्यों आए हो यहाँ? पता ही नहीं। तुम्हारा दिया हुआ ताना कल रात से मुझे काट रहा था, कदम खुद ब खुद चलने लगे। जब होश आया तो तुम्हारी दहलीज पर खड़ा था। हम जैसे उसे वास्ता रखोगे तो ताने सुनने की भी आदत डाल लो। इतनी जल्दी जेल से कैसे छूट गए? वो मेरे अब्बा को मेरा जेल जाना ज्यादा पसंद नहीं आया, सिफारिश लड़ाई और रातों रात छुड़वा लिया मुझे। तो ऐसे काम क्यों करते हो कि तुम्हारे माँ बाप को जिल्लत उठानी पड़े? ना नहीं तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लो। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो पूछ सकता? मतलब जो चीज तुम्हारे लिए रुसवाई या बदनामी का बाइस नहीं बन रही, मेरे नाम को कैसे दाग दाग कर सकती है? जोरा बताओ। तो मुश्किल सवाल क्यों करते हो जिनका जवाब तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों सोचती रहती। नहीं, मेरा सवाल तो नहीं है, मैंने तो तुम्हारा सवाल दोहराया है कि तुम्हारा पेशा, तुम्हारा खुलिया, तुम्हारा रहन सहन, बदनामी, इससे मेरी मोहब्बत को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी मोहब्बत को तो वही कायम रहना चाहिए। तुमने तो कहा था। मुझे रात को गुस्सा आ गया था, जिस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, ठीक ही तो कहा था तुमने, कुछ गलत तो नहीं कहा। जज्बों में सौदागरी कहाँ चलती है जोरा। मैं बस आज यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी हकीकत जानने के बाद भी कि तुम एक नफरत नहीं हुई यार तुमसे, मेरा जज्बा नहीं बदला, पर मैं खुश नहीं हूं। मेरा दिल रो रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मैं तड़प रहा हूं। कुदरत की इस सितम जरीफी पे मेरा दिल तड़प रहा है, ये क्या है? तुम्हारे घर की तरफ आते हुए रास्ते पे मेरे कदम कैसे उठ गए? मुझे क्यों नहीं हुई नफरत? ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी बात सुनो। चलो लड़के, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। खुशकिस्मत जो अन्ना जी ने तुम्हें इतना वक्त मुहैया किया। बाहर जाके गरीबों में कुछ बांट देना। चलो जोर अपने कमरे में। एक बात हमारी कान खोल के सुन लेना, यहां दोबारा कदम रखने की जरूरत न करना। हमारी लड़कियां अपने ठिकाने पे किसी से मुलाकात नहीं किया करती, ये घर है अन्ना जी का। पर अगर मुझे जोरा से दोबारा मिलना हो तो अपने घर में या बाहर कोई तकरीब रख ले, कोई भी लड़की आ जाएगी। कमा कितना लेते? कुछ नहीं, सारी आमदनी अब्बा की है, मैं बस मदद करता हूँ। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना, ये कंगलों का खेल नहीं। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से कंगले देखे हैं जो जेब में लाखों करोड़ों रुपए लेके फिरते हैं,
लेकिन दिल के भिखारी होते हैं वो। और आपका दावा तो दिलवाले होने का है ना, दिलवालों के लिए अमीरी गरीबी का पैमाना तो कुछ और है, सोने के सिक्के नहीं। देखो लड़के, बस करोड़ों की जायदाद है मेरे नाम, जो पहले कहा था वो दोहराने की जरूरत नहीं, समझ गया हूं मैं। खुदा हाफिज। हो गई मुलाकात अधूरी। मोहब्बत में मुलाकात अधूरी होती है। तुम्हें कैसे पता? मेरी मोहब्बत की दास्तान इन्हीं गली की दीवारों पर लिखी हुई है। बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, 12 टैक्सियां थी मेरे पास, 3 बसें, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब इस गली के नुक्कड़ पर इस पान के केबन पर लिखा है। सोता है पाया। अब कहाँ है वो? एक सेठ के साथ दुबई चली गई। यहां पर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, दौलत का सिक्का। सिक्का खत्म, खेल खत्म। शाहजी, एक बात कहूं तुझसे। बोलो। यहां मत आया कर, ये जगह तेरे काबिल नहीं। इतने बड़े घराने का फर्जंद हर साल मजार पे और सोता है, यहां के मकीन भी जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं, औरतें भी जाती हैं, पीरो मुर्शिदी में पड़ी हैं, किसी से कहीं भी कभी भी मुलाकात। यहां मत आया कर। तुम भी मुझसे वही कह रहे हो जो पूरा जमाना कहता है। तुम तो समझते हो ना मुराद अली। मैंने तुझसे कहा है ना कि मेरी मोहब्बत की दास्तान इन गली की दीवारों पर लिखी हुई है, मेरे माथे पर बेनामी और खानदान का निशान नहीं था, जो तेरी पेशानी पर दूर से नजर आता है। यहां पर दिल नहीं देखा जाता, हुलिया देखकर फैसला किया जाता है, या दिल बदल ले या हुलिया। यार भाई कहां रह गए थे यार, अब बस सख्त गुस्से में है, कम से कम मुझे तो बताते जाते। तुम जानते हो आज तुम्हारे होने वाले सुसर ने तुम्हें घर बुलाया था और तुम तो वहां पहुंचे नहीं, तो वो तुम्हारी खबर लेने घर आ गए, कोई अच्छा सा बहाना सोचकर अंदर जाना। पीर साहब चाय लीजिए ना। जी 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 बिल्कुल। मूसा मियां भी आ गए। शाह साहब वालेकुम सलाम भाई, बड़ी राह दिखाई मूसा तुमने। कहां रह गए थे मूसा? पीर साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी वो नीला गुमत वाले इलाके में गया था, बस वहीं देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्स की तैयारियां चल रही हैं। अब वो काम भी बहुत जरूरी है मूसा, मगर वहां घर की औरतें तुम्हारे इंतजार में क्या कुछ पकवान बनाए बैठी रह गई। भाई जुर्माना तो बनता है तुम पर। हम सारे जुर्माने अदा करेंगे पीर साहब। मूसा
उसी वक्त पर अपनी माँ के साथ हाजिर हो जाएगा। चले ये भी सही है शाह साहब, जुर्माने की पहली किस्त तो यूं ही अदा हो जाएगी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे शाह साहब, वो औकाफ वालों के सर्वे का क्या बना? अरे पीर साहब, ये सरकारी महकमों की चाल भी निराली होती है। एक कागज पूरा हो जाए ना तो दूसरा सफा तैयार लिए खड़े होते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात का वक्त ले लिया है, इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी उन्हीं पे डालूंगा। आप भी चाय लेना शाह साहब। बैठो मुस्सा। बैठ जा बेटा। मैं मुझे पता था सकीना मुझसे रब्ता किए बगैर रह नहीं पाएगी। हाँ मगर वो किसी और की बीवी है, बेवा नहीं हुई अभी तक। काश बेवा भी हो जाए। बेवकूफी की बातें मत करो, जिन मजबूरियों की वजह से तुमने उसे पहले छोड़ा था ना, वो आज भी बरकरार है। कोई दुनिया नहीं बदल गई तुम्हारी। पता है यार मुझे, इसीलिए तो हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ मैं यहाँ, वरना तो कब का सकीना के पास पहुंच गया। बहरहाल अब इरादा क्या है तुम्हारा? पता नहीं यार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टेंशन ये है कि मैं उससे मिले बगैर रह भी नहीं सकता। उसके शौहर और देवर याद है ना तुम्हें? जो भी फैसला करना उनको जहन में रख कर करना। कोल्ड ड्रिंक मंगा लो यार, दो कोल्ड ड्रिंक लाना। अच्छा खाना तो खा ले। छोड़ यार। अच्छा टेंशन ना ले, खा ले तू खाना। ठीक ही तो कह रहा था वो, बहुत से करोड़पति अंदर मन के कंगले ही होते हैं, और ये बात हमसे बेहतर कौन जानता है। मुझे एटलीस्ट ये मन का कंगला नहीं लगा। किसी के मन से क्या लेना देना मेरा। और वैसे भी जिस भी लड़की ने आज तक मोहब्बत की उसे मिला ही क्या है, धोखा उसवाई। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सारे मर्द एक जैसे ही होते। मर्द और वफा दो अलग अलग चीजें हैं, जानती हो क्या? वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के प्यार के, लेकिन जब वक्त आता है ना प्रूव करने का, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं थे। तुम शायद माँ पारा के तजर्बे से डर गई हो। जो कुछ भी उसके साथ हुआ जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी हो। नहीं, बात तजर्बे की नहीं है, बात सच्चाई की है। अन्ना जी ना बिल्कुल ठीक कहती है कि औरत को प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि पहले उसे अपने फ्यूचर सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। कि मर्द का दिल भरने में देर नहीं लगती, और जब उसका दिल भर जाता है ना, फिर हम जैसी औरतों के नसीब में सिर्फ जिल्लत ही लिखी होती है। तुमसे तो बात करके बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है। अच्छा ठीक है बड़ी भी, सो जाओ, मेरा आज के लेक्चर का कोटा पूरा हुआ। जो चीज तुम्हारे लिए रुसवाई या बदनामी का बाइस नहीं बन रही, मेरे नाम को कैसे दाग दाग कर सकती है जोरा, बताओ। मुश्किल सवाल क्यों करते, जिनका जवाब तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों सोचती रहती। मिल सावल यार वे।
ये इतना परेशान और वनक सा क्यों बैठा है? जैसे कोई जबरदस्ती पकड़ कर लाया हो इसे। हम ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, ये बचपन से ही ऐसा खामखा दांत निकाल लें या किसी से गुले मिलने की आदत नहीं इसे। वाह भाई वाह, फिर तो मामू जान ने बिल्कुल तुम्हारी तरह का मंगेतर ढूंढा है तुम्हारे लिए। अच्छा तुम पिछली बैठक में पहुंचो, मैं चाचा फजल के आने से पहले तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। आदाब। सलाम अलैकुम। अरे आप यहाँ बैठे, आपको तो मर्दाने में आना चाहिए था इस वक्त। मुझे उन्होंने बताया था कि पीर साहब यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये घर के नौकर भी ना कभी ध्यान से पूरी बात नहीं सुनते। वैसे मुझे मरियम कहते हैं, मैं सितारा की कजिन मामूजाद। ठीक है मैं मर्दाने में जाता हूँ। रुक जाए जनाब, ऐसी भी क्या जल्दी है, कोई और भी है यहाँ जो आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है जाने कब से। अरे आ जाओ भाई, कब तक दरवाजे के पीछे से हमारी बातें सुनती रहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जनाब, मेरा काम खत्म हुआ, अब जल्दी जल्दी बातें कर ले आप दोनों, मैं तब तक बाहर पहरा दे रही हूँ, मामू जान आते ही होंगे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सब क्या है? हाँ वो मैंने ही मरियम से कहा था ये दो घड़ी की मुलाकात करवाने के लिए। वैसे तो आप मिलते नहीं, हमारे घर भी आए तो खुदा खुदा करके। क्या कोई नाराजगी है हमसे? नहीं नहीं कोई नाराजगी नहीं है, बस मसरूफियात हैं, मसरूफियात वक्त ही नहीं देती हैं। वक्त निकालना पड़ता है जनाब, अम्मी भी कब से आपका नाप मांग रही थी, कुछ सिलवाना था आपके लिए, अंगूठी भी आपकी यहीं रखी हुई है। इस सब की क्या जरूरत है सितारा? मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी अम्मी को मना करो कि इन सब की जो रस्में हैं इनसे दम घुटता है मेरा। लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश भी है, और इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो रस्म है। ऐसी रस्मों पर यकीन नहीं रखता मैं। रस्में ही तो मोहब्बत की निशानी होती है। मेरा मतलब है यही रस्में ही तो रिश्तों की खूबसूरती है, जिन्हें हम तमाम उम्र निभाते रहते हैं रिश्तों की तरह। देखो सितारा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात, बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है, मगर आज नहीं, हाँ किसी वक्त भी कोई भी आ सकता है। मैं जल्दी आपको पैगाम भिजवा दूंगी कि हमें कब और कहाँ मिलना है, बस तैयार रहिएगा। जल्दी करो सितारा, मनी दो बार तुम्हारा पूछ चुकी है, परवाह मत देना अपनी इस मासूम का दिल को। अच्छा अब मुझे जाना होगा, खुदाफिस, जल्दी आपसे दूसरी मुलाकात हो। और हाँ आज इतने सालों बाद आपकी जुबान से अपना नाम इतनी अपनाइयत से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज़।
कमा कितना लेते हो? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मलिक शहरयार फ्रॉम शहरयार इंडस्ट्री। सोनिया, नाइस टू मीट यू। मैं एक्चुअली इस शहर में नया हूँ, ज्यादातर बाहर रहता हूँ, तो इसलिए कोई कंपनी नहीं है साथ में मेरे। आई सी। अगर आप कहें तो कैन आई ड्रॉप यू होम, जहाँ आप बोलें। मेरी गाड़ी आती होगी, चले जाऊंगी। ओके। ये मेरा कार्ड है। इस शहर में एक दोस्त की तलाश में हूँ। एक्चुअली मेरे किसी दोस्त ने जगह रेफर की और ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स वेरी नाइस प्लेस। आप आती जाती रहती हैं यहाँ पे? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा कैसे मिलेंगे? हो सकता है ऐसी किसी पार्टी पे आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए। परफेक्ट। बाय। मैं इतनी बुरी कंपनी नहीं हूं वैसे। ढाई लाख? हाँ। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुमने इतनी रकम का करना क्या है? तो अब्बा से मांग लेना, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। और सुन, अब्बा के सामने मेरा नाम मत लेना। मांग तो लूंगा, लेकिन अब्बा ने तुम्हें पैसों से कभी मना नहीं किया। मुझसे फिर शायद कुछ सवाल पूछ ले, तुम्हें तो आंखें बंद करके दे देते हैं। यार बहस मत कर, भाई नहीं है मेरा छोटा। मांग लेना, ला देना अब्बा से। मांग लूंगा लेकिन कुछ सवाल पूछा तो क्या कहूं? यार कुछ भी कह देना तू ईसा, शादीशुदा आदमी है तो शादीशुदा लोगों के हजार खर्चे होते हैं, कोई बहाना कर देना। यार देख ईसा, देख मुझे बहुत जरूरत है यार, तेरी मेहरबानी। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है जाता हूं, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात ये देख यार, बंद कर अपनी नसीहत। यार तो छोटा भाई है, तेरी मन्नत कर रहा हूँ यार, मुझे जरूरत है यार, खुदा का वास्ता ला दे। अच्छा तेरी मेहरबानी है यार, देख यार मैं चाहता हूँ। हमेशा मुझे ही भूखे शेर के सामने डाल देते हो। जल्दी आना। ये तुम्हें अचानक क्या जरूरत पड़ गई? वो बाप शादी हुई है मेरी। हाँ तो मेरा मतलब है बस यही बताना था। बीवी को कहीं ले जाना चाह रहे हो? जी हाँ। नहीं ठीक है, मैं मैनेजर से कह दूंगा, ले लेना जितने पैसे चाहिए होंगे। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? भाई तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात ये मूसा किसके लिए इतने पैसे मांग रहा था, वो भी ताया जान से छुपकर?
ये क्या चक्कर चल रहा है दोनों भाइयों के अंदर ही अंदर? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे किसी भी हाल में इस राज का पता लगाना होगा। ₹4,00,000 गिल्लो को छुप रही होंगे। इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? घर की तिजोरी खाली कर ली है? छोटा भाई है मेरा ईसा, उसने दिए अब्बा से छुपे। जोरा से एक मुलाकात करवा दे। तेरी जगह कोई और होता ना तो अन्ना आधे पैसों में भी मान जाती, लेकिन तेरा मामला दूसरा है। तेरे जैसे आशिकों से ऐसे लोग बहुत डरते हैं। जोरा भी तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तू जानता नहीं है इश्क में जबरदस्ती नहीं होती। इश्क में ही तो जबरदस्ती होती है मुराद में, जुनून में इल्तजा नहीं होती, मोहब्बत में भीख नहीं मांगी जाती। कौन है तेरे अंदर कौन है तेरे अंदर जो ऐसी बातें कर ना किया कर ऐसी बात? दिल हिल जाता है मेरा। ऐसा नहीं था मैं। उससे मिलने के बाद ऐसी बातें निकलने लगी हैं मेरे अंदर से, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। और हाँ, ध्यान रखना, इस लड़की के बायोडेटा मिलने से पहले ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। जी सर, समझ गया। इसने अपना नाम सोनिया बताया है, चोरी नाम फेक। तुम ऐसा करना, इस गाड़ी की नंबर प्लेट से तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो मैंने तुम्हें दिए। राइट सर, इंशाल्लाह आपको मैं रिपोर्ट करता हूँ अभी। इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। तू अन्ना को जानता नहीं है, देखने में सीधी साधी लगती है, इतनी है नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसे। मुझे लगता है मेरा पान का ठिया उसके हाथों ही बर्बाद होगा। मूसा यारों को इम्तिहान में डालने वालों में से नहीं है मुरादे, तो दूर रहे इस मामले से। मैं ढूंढ लूंगा कोई और तरीका। वाह शाहजी वाह, क्या बात है, यार भी कहता है और बेगानों वाली बात भी करता है। ले जाऊंगा तेरा पैगाम। अल्लाह जाने आने की या नहीं, तू मुझे बता के उसे लेकर कहाँ जाएगा। करता हूँ इसका कोई इंतजाम, लेकिन निकाह के बाद उसे घर लेकर जाऊंगा। अपनी जोरा को दर बदर भटकने नहीं दूंगा। जाता हूँ लेकर तेरे पैसे, देखते हैं क्या कहती है तेरी जोरा परी है? वो पान वाला उसका पैगाम लेकर फिर आ गया। उसे बात समझ में क्यों नहीं आती है, क्यों मेरे हाथों बर्बाद होना चाहता है वो? हाय हाय बेचारा। देखो चंदा सर, मैं बहुत गुस्से में। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही? होता है तो होने दो बर्बाद, तुम्हें क्या पड़ी है? अगर वो कोई आम आदमी होता ना, आम दिल फेंक, तो फिर बाहर नहीं जाए मेरी बला से। लेकिन मैं नहीं चाहती इसकी मेरी वजह से बेइज्जती हो। अच्छा, मतलब तो तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वो आम दिल फेंक लोफर आशिक टाइप की चीज नहीं है। ये सब कुछ ना तुम्हारे दिमाग का फितूर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं।
और वैसे भी मुझे किसी किस्म की बेचैनी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं है। कभी ना सुख आया, कभी ना करार आया। मुराद तो फिर आ गया। कितनी दफा तुझे इनकार कर चुकी हूँ, मना कर चुकी हूँ। ले जा ये रकम वापस, हमें नहीं चाहिए। समझा दे उसको, क्यों जिद पे अड़ा हुआ है। अन्ना जी, ये देखे, मेरी खातिर मान लो, बड़ी मेहरबानी है। इतना पुराना ताल्लुक है मेरा इस कोठी से, और वो बेचारा चाह क्या रहा है? सिर्फ एक मुलाकात, बस। सिर्फ एक मुलाकात? एक मुलाकात तो हो चुकी, बार बार क्यों? कहा था मैंने उसे, यही सवाल कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, गलत जवाब ढूंढ रहा है उसे बुलाने के। सच क्या है ये तो तुम भी जानती हो। दिल आ गया उसका जोरा पर है? देखना मुराद, वो किसी आला मजहबी घर का लड़का लगता है, और तू तो जानता है ये छत मैंने तिनका तिनका करके जोड़ी अपनी बच्चों के खातिर। अब किसी भी आदमी के दिमागी फुतूर के खातिर मैं अपनी बच्चियों को बेघर नहीं कर सकती। अरे अन्ना, क्यों भूल रही है? ऐसे दिमागी फुतूर वाले लोगों की वजह से तो तुम्हारी दुकान चल रही है। वो इतने सारे पैसे दे रहा है सिर्फ एक मुलाकात के। पैसे पकड़ो और बस। यहाँ तो 1500 के लिए लोग इतना भेदभाव करते हैं। मेरी बात मानो, बड़ी मेहरबानी होगी, खुश हो जाएगा बच्चा। हैं? कह तो तू ठीक रहा, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा। डरती हूँ उसकी जुनूनी कैफियत से, उसकी दीवानगी से मुझे बहुत खौफ आता है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद साथ जाऊंगा जोरा के। तुम बस पैसे पकड़ो हैं? और खुदा का शुक्र अदा करो कि आजकल के जमाने में ऐसे दिमागी फुतूर वाले लोग मौजूद हैं। हैं? क्या अन्ना जी मान गई, मगर कैसे? हाँ अन्ना जी कह रही है तुम तैयार हो जाओ अपने उस दीवाने से मिलने के लिए, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तक वो मुझे मशवरा दे रही थी उससे दूर रहने का, और आज आज ये कैसे हो गया? वो सब कुछ मुझे नहीं पता, बस तुम तैयार हो जाओ। मगर अगर मगर कुछ नहीं, और वैसे भी तुम खुद भी तो चाहती थी ना कि तुम उससे मिलके उसका मिजाज दुरुस्त करो। अब तुम्हें मौका मिल तो रहा है, आखिरी बार मिलो और दिल की सारी भड़ास निकाल लो, ऐसे जैसे कि तुम्हारे नाम लेने की गुंजाइश ही ना बचे। मूसा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए? अंदर चलो बताता हूँ। मेरा सिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार
दादाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। अल्लाह ने इस दीवाने की हिफाजत करना। ने काजी साहब आ गए। मूसा भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मूसा यही लड़की है काजी साहब। आपकी शर्त के मुताबिक दो गवाहान भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी शुरू करें। किस बात की बिस्मिल्लाह? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे और तुम्हारे निकाह की बिस्मिल्लाह। दिया बिलसावल यार वे।